सर फेटस है, 3-4 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, इन्होंने सबसे पहले देखा। ये कहाँ मिला तुम्हें? सर साहब मैं वहाँ कचरा चुन रही थी, वहाँ पड़ा था। एक काम करो, सारे एरिया की तलाश लो। रामले एक और मिला है। सर तकरीबन 12 फेटस है। एक काम करो, सारे फेटस लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दो। ओके सर। तुम हमेशा यहाँ कचरा जमा करने के लिए आते हो? हाँ साहब जी। यहाँ पे कभी भी किसी को आते हुए देखा है या कुछ फेंकते हुए देखा है? साहब जी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सर शुगर फैक्ट्री के आगे नदी के पास हमें 12 फेटसेस मिले सर। लैब में भेजे? हाँ सर, उनके रिपोर्ट्स भी आ गए हैं। उनमें से 8 फेटसेस टोटली डिकम्पोज है सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। 4 फेटसेस लड़कियों के हैं, 3 फेटसेस कुछ दिन पुराने हैं और 1 फेटस जो कि 4 महीने का है बिल्कुल फ्रेश है सर। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन पहले उन्हें अबॉर्ट किया गया है। जहाँ जहाँ ये फिटस मिले हैं उसके आसपास के एरिया में पता करो जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं किस किस में मैटरनिटी वार्ड है, और ये पता करो कि कितनी औरतों ने अब तक एबॉर्शन करवाया। ओके सर। देखिए ना कब से बेल बजा रही हूँ, माधुरी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। नहाने गई होगी, ले मैं खोलती हूँ, मेरे पास है दूसरी चाबी। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को, देख लूंगा किसी को। हट जाओ। माधुरी 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 आपके घर क्या हो गया? माधुरी योगदाता लगता है माधुरी मर गई। उसके ससुराल वालों ने साहब। कहाँ हुआ ये सब? ये पास में नालंदा बिल्डिंग है उसमें। अब मेरी छोटी छोटी पोतियों का क्या होगा? योगिता तय अपने आप को संभालो। सर सर मेरे ससुर ने ही मेरे बेबी की जान ली है, अरेस्ट कीजिए उन्हें। एक बाप ने पुलिस के पास आकर गुहार लगाई कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने जान से मार दिया, लेकिन पति का कहना कुछ और ही था। वो अपने ससुर को ही कातिल ठहरा रहा था। अब ये पुलिस को तय करना था कि इन दोनों में कौन सच्चा था और कौन झूठा, और ये औरत जो मरी थी आखिर उसकी कहानी क्या थी? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मेरी आई अंजू आंटी और हमारी मेड चंद्रकला। देखिए मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जरा डिटेल में बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं अपनी पोतियों के नाम पे अभिषेक करवाने के लिए सुबह सुबह ही मंदिर चली गई थी। वापस आया देखा तो चंद्रकला बेल बजा रही थी, कह रही थी कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा है। मुझे लगा माधुरी नहाने गई हो, इसलिए मैंने अपनी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने को ही हुई तो माधुरी के पिताजी प्रदीप अंदर से उन्होंने दरवाजा खोला और कहने लगे कि नहीं छोड़ूंगा किसी को, देख लूंगा किसी को, और भाग गए। मैं घबरा कर अंदर आई तो देखा तो मेरी बच्ची माधुरी मरी हुई पड़ी थी। साहब सवेरे करीब 8-8:30 बजे मैं और योगिता ताई मंदिर गए थे, वहाँ अभिषेक में हम लोगों को थोड़ा समय लगा। घर से निकलते हुए माधुरी के पिताजी को हमने भी देखा। हाँ साहब मैं भी देखी, मेरे को तो मालूम ही नहीं कि माधुरी ताई को मारकर अंदर उसका बाप बैठा है। इनके पिता इनको क्यों मारेंगे? मुझे नहीं पता सर, माधुरी ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये लीजिए। अरे ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? बस बड़े बड़े बोर हो गई थी, बाकी कुछ नहीं। देखो तुम बहुत वीक हो चुके हो। आज मैं ऑफिस नहीं जाता।
चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम ही जो ऑफिस लग, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है और कुछ नहीं है। आर यू श्योर? यस यस, आप जाइए, ख्याल रखना अपना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने माधुरी को आखिरी बार जिंदा देख रहा हूँ। आ जाओ तुम। सर देखिए, टेबल के पास भी खून पड़ा हुआ है और टेबल की नोक पर भी खून लगा हुआ है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो परिवार के अलावा कोई और यहाँ आया था कि नहीं। ओके सर। मम्मा, क्या हुआ मम्मा को? ऐसे खून लेती है मम्मा? वो पापा, वो खून खून मम्मा को चोट लगी है बेटा। हाँ, वो ठीक हो जाएगी, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। चंद्रकला मम्मा ठीक हो जाएगी। आजी आई है, तेरे टीके हुए है आजी, बताओ ना क्या हुआ आजी, बोलो ना प्लीज। चंद्रकला इसे अंदर लेके जा। इतनी सुबह वहाँ आप क्या करने गए थे? कल रात मेरी माधुरी से बात हुई थी फोन पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए उससे मिलने गया था। जिस वक्त आप घर में दाखिल हुए उस वक्त टाइम क्या हुआ? करीब 9 बजे होंगे। और आप वहाँ से निकले कब? वो याद नहीं, मैं वहाँ से सीधा यहाँ आ गया। लेकिन आपकी समधन जी ने बताया कि जब 11 बजे वो मंदिर से घर वापस आई तब उन्हें देखकर आप वहाँ से भागे। 2 घंटे आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, 2 घंटे आप माधुरी के घर में माधुरी के साथ मौजूद थे, क्या कर रहे थे? लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग, या सबूत मिटाने की कोशिश, या फिर बैठ के ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करूं? फिर एक आइडिया है, चलो मैं ही पुलिस के पास जाता हूं और उसके ससुराल वालों पर इल्जाम लगा देता हूं। वो बेटी थी मेरी साहब, इन हाथों में दम तोड़ा था उसने। माधुरी माधुरी कितनी खुश थी मेरी बेटी। तोता उड़ी, मैना उड़ी, कितना परेशान करोगे बाबा को? अरे कोई परेशान नहीं कर रहा है मुझे, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, है ना बाबा? आप भी ना, सच्ची में देखो परेशान मत करना। नहीं करी परेशान बाबा, आपके लिए चाय बना कर। ठीक है, जल्दी ठीक है, चलो चलो खेलते हैं हम लोग। माधुरी माधुरी, काई ने बाबा, बस वो एकदम से उठ गई थी ना सोफा से, इसलिए अचानक चक्कर आ गए। ऐसे कैसे चक्कर आ गया? कुछ नहीं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं बाबा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? हाँ तुम चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं सुजीत को फोन कर दूंगा। बाबा सुजीत को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, इन दोनों का भाई आने वाला है। तुम्हें कैसे पता इनका भाई आने वाला है? मैंने टेस्ट करवाया बाबा, इस बार बेटा ही होगा। साहब माधुरी को लगा था कि अगर वो मुझे नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे पता चल गया कि कुछ तो है। आपने माधुरी के बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया था? वो उसी ने करवाया था, उसकी पहली 2 बेटियां हैं और इस बार उसे बेटा चाहिए था और बेटा ही होने वाला था, इसे स्वप्न पूर्ण हो रहे साहब। आज सुबह आपकी माधुरी के साथ किसी बात को लेकर कोई कहा सुनी हुई? नहीं। ठीक है सर, यन्नत का कस्टडी में रखेगा। साहब चलिए। सब सब मैंने क्या किया है साहब? माधुरी की लाश के बाद सिर्फ आप मौजूद थे, इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मेरी बात मानिए साहब। चलिए मुझले सर, फीटस वाले केस में क्या डेवलपमेंट है? सर आपको उसी के बारे में बताना था। ये देखिए सर, जहाँ से हमें 12 फीटसेस मिले हैं वहाँ के एरिया में 15 छोटे और बड़े हॉस्पिटल्स और क्लिनिक है, वहाँ पे हमने पूछताछ की, वहाँ पर एक भी सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट नहीं होता है। उस एरिया पे नजर रखो, देखो फिर से कोई वहाँ फीटस डंप करने के लिए आता है क्या। ओके सर। सर माधुरी की सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, देखते हैं। ये देखिए सर, करीब 7 बजे के आसपास माधुरी की दोनों बेटियां स्कूल जा रही है और 8:30 बजे माधुरी की सास
अपनी सहेली के साथ मंदिर जा रही है। उसके ठीक 15 मिनट के बाद माधुरी का पति सुजीत ऑफिस जा रहा था और उस वक्त माधुरी का बाप प्रदीप उसे सोसाइटी के कंपाउंड में मिला। दोनों में कुछ बातचीत हुई, प्रदीप सोसाइटी के अंदर चला गया और सुजीत बाहर चला गया। फिर 2 घंटे के बाद माधुरी की सास अपने सहेली के साथ मंदिर से वापस आ गई और 5 मिनट के बाद माधुरी का बाप प्रदीप खून से लथपथ सोसाइटी के बाहर जा रहा है और 15 मिनट के बाद माधुरी का पति सुजीत सोसाइटी में आ गया। सर, हमने इंक्वायरी की तब पता चला है कि उन 2 घंटों के बीच में प्रदीप के अलावा कोई भी शख्स उनके घर पर नहीं गया था। मतलब सुजीत और योगिता के जाने के बाद प्रदीप माधुरी से मिलने आया और लगभग 2 घंटे वहीं पर था। सर, प्रदीप को देखकर लगता है कि वो अपने बेटी से काफी प्यार करता है, भला वो उसे क्यों मारेगा? जादव कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हो सकता है कि बाप बेटी में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई हो। प्रदीप ने माधुरी को धक्का दिया और उसका सर उस टेबल के कोने से जा टकरा। एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है सर, या ये भी हो सकता है कि प्रदीप ने जानबूझकर माधुरी को धक्का दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। हो तो ये भी सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? नहीं सर, आज शाम तक आ जाएगी। माधुरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माधुरी की मौत सर पर चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि किसी ब्लंट हथियार से उसके सर पर मारा गया था। मतलब ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। और मर्डर या तो उसका बाप कर सकता है या उसका हस्बैंड। सर, डॉक्टरों का यह भी मानना है कि माधुरी के सर पर चोट लगने की वजह से अगर वो नहीं मरती तो फिर भी वैसे भी कुछ समय में वो मर जाती क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। 2 दिन पहले माधुरी का मिसकैरेज हुआ था। मिसकैरेज की वजह से? नहीं सर, माधुरी का मिसकैरेज नहीं हुआ था बल्कि उसका अबॉर्शन किया गया था। अबॉर्शन? लेकिन उसके पति ने तो कहा कि उसका मिसकैरेज हुआ है। प्रदीप को बुलाओ। माधुरी की मौत टेबल से सर टकराने से नहीं हुई थी, उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। क्या चीज से मारा था? साहब, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा उसे? वही तो हम जानना चाहते हैं, माधुरी ने अबॉर्शन क्यों करवाया? वो भला क्यों करवाएगी साहब, वो तो खुश थी, उसे तो बेटा होने वाला था। आपने हमें बताया था कि माधुरी का मिसकैरेज हुआ था लेकिन मेडिकल के बाद हमें पता चला कि माधुरी का अबॉर्शन हुआ था। अबॉर्शन? नहीं सर, माधुरी अबॉर्शन क्यों करवाएगी? ये तो आप ही हमें बता सकते हैं ना क्यों करवाएगी, आपने उसे फोर्स किया था? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि 2 बेटियों के बाद हमें बेटा होने वाला था तो मैं उसे क्यों अबॉर्शन करवाने के लिए कहूं? परसों दोपहर माधुरी अचानक मार्केट से आई और रोने लगी, कहा कि तबीयत खराब हो गई और बच्चा गिर गया। वैसे गौर करने लायक बात एक और है, माधुरी की मौत टेबल से सर टकराने से नहीं हुई थी, उसके सर पे किसी भारी चीज से मारा गया था। सर, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, माधुरी के पापा ही दे सकते हैं। फिर आप किस सवाल का जवाब देंगे? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आप माधुरी के अबॉर्शन से खुश नहीं थे और आपने गुस्से में आके उसे मार दिया? सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। हमारा सपना पूरा होने वाला था, हमें बेटा होने वाला था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। हमें आपके घर की तलाशी लेनी मर्डर वेपन के लिए। कहीं साबड़ ला? नहीं सर। सर, कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है नीचे फेंक दिया हो, बिल्डिंग के आसपास चेक करो।
सर माधुरी को तो बेटा पैदा होने वाला था, तो ऐसे में उसको एबॉर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी और अपने पति से झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है वो बच्चा उसके पति का ना हो। अगर मान लेते कि वो बच्चा उसके पति का नहीं था, फिर भी तो उसका पति उसको अपना ही बच्चा मान रहा था, तो ऐसे में उसने एबॉर्शन क्यों करा? माधुरी को लगा होगा कि इस बच्चे की हकीकत कल को सबके सामने आ गई तो इससे बेटर है किस्से ही खत्म कर देते। ऐसा करो, इस माधुरी के कॉल डिटेल्स निकालो, उसके अफेयर के बारे में पता करो उसने वो अबॉर्शन कहाँ करवाया। ओके सर। सर प्रदीप जी के वकील बेल के पेपर लेके आए। सर क्या करें, कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास, छोड़ना तो पड़ेगा। क्या हुआ दी? ये देख, मैंने तेरे पसंद का उपमा बनाया, ले खा ले। दिव्या, मुझे नहीं खाना, मुझे आई के पास जाना है। चुप हो जा, दिव्या आई आ जाएगी, चुप हो जा। सर 3 दिन पहले माधुरी के मोबाइल की लोकेशन उसकी घर की ही थी, उसकी किसी के साथ ज्यादा बात नहीं होती थी, सारे कॉल नॉर्मल है। सर 5 दिन पहले माधुरी की मोबाइल की लोकेशन कर्नाटका के विजयपुरा शहर की है। ये देखिए सर, सुलापुर से विजयपुरा 6 घंटे की दूरी पर है। वो वहां पर 1 दिन के लिए होटल जनार्दना में रुकी थी। सर आश्चर्य की गोष्ट तरी ही है कि वो होटल से रात को 2 बजे निकली थी और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक घर में गई थी। कर्नाटका? वो कर्नाटका क्यों गई थी? मुझे नहीं पता सर, मैं सच में नहीं जानता। माधुरी ने जिस दिन अबॉर्शन कराया उस दिन उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही थी। पुलिस को शक था कि कहानी कुछ और ही है। पुलिस ने जब सुजीत से पूछा कि माधुरी कर्नाटका में रात को 2 बजे किसके घर गई थी, तो सुजीत ने कहा कि वहां उसकी कोई बचपन की सहेली रहती थी। सर माधुरी का किसी के घर पे रात को 2 बजे जाना, इसका मतलब क्या हो सकता है? पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी अंजू से मिलने नहीं गई थी, बल्कि उस आदमी से मिलने गई थी जिसके साथ उसका अफेयर था। वो उसे बताने गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उस आदमी के साथ उसका झगड़ा हो गया, वो वापस आ गई और उसने अबॉर्शन करा लिया। इस बात का पता उसके पिता या पति को चल गया और दोनों में से किसी एक ने उसको मार दिया। अब सच क्या है ये तो कर्नाटक जाकर ही पता चलेगा। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि माधुरी ने अबॉर्शन कहाँ किया था, क्योंकि उसका मोबाइल तो घर पर ही था। ज्यादा अबॉर्शन तो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में किया होगा, जरा वहां आसपास पता करो। ओके सर। सर लोकेशन तो इसी एरिया का दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये इडली वाला हमेशा यहीं खड़ा रहता है क्या? जी सर। इसको पहचानते हो? रेन हेल्थर सर, नम बर्ता किला ಈ ಹುಡುಗಿನೇ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ 5 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಂಗೇನು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಸರ್ ಓಕೆ ರಾಗಿ ಉಸ್ಕು ಯಾದ್ ನೀ 5 ದಿನ ಪಹಲೆ रात को 2 बजे के आसपास ये इस एरिया में ये औरत आई थी। ये उड़गी 5 दिवस दुम्बू 2 घंटे रात्रि बंदी दले। इल्ली इल्ला सर, इल्ली तुम्बा जाना बरतर है सर, अल्लू गली दे सर, हम हुड़गर अल्ला मुका मुचकन बरतर सर, ना नोड़ी दिने तुम्बा सर ते। क्या क्या बोल रहा सर? ये गली में घर है, वहाँ पे पूरी रात लोग आते जाते रहते, लेडीज मर्द लड़कियाँ, और लड़कियाँ मुँह ढककर आती जाती रहती है। मुँह ऐसे ढककर? मुका मुचकन बरतर सर। सर रात के वक्त बूढ़क कर यहाँ पर काम करना, बोले तो काले काम ही होंगे, प्रोस्टिट्यूशन चलता होगा। सर रेड मारे, जब तक श्योर नहीं हो जाए तो कुछ नहीं करना चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी रात के वक्त माधुरी यहाँ क्या करने आई होगी। अब ये तो रात को ही पता चलेगा। क्या करके आ रहे थे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब हम समझाते, चल। हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो? साहब वो ऐसे ही। ऐसे ही क्या कर रहा था इसके साथ? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी पत्नी है। बीवी है तो फिर मुंह छुपा के क्यों घूम रही? सर मैं इनकी पत्नी हूँ, ये देखिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे टेस्ट करवाने। हाँ सर डॉक्टर के पास जी। इस वक्त तेरे जेब में क्या है? सर ये सीढ़ी है, हमें डॉक्टर साहब ने दी है।
सर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो हम सोनोग्राफी करने आए थे. मतलब पता करने आए थे कि पेट में बेटा है या बेटी है, है ना? जानता नहीं ये इलीगल है. सर सर हमसे गलती हो गई, सॉरी. तेरे डॉक्टर को फोन कर, उसको बोल दोबारा टेस्ट करना. सर अभी 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 कर, और स्पीकर पे डालना. हेलो. हाँ डॉक्टर साहब, मैं दिलीप बात कर रहा हूँ. हाँ बोलो. सर हमें दोबारा टेस्ट करवानी है. अरे अभी तो किया था टेस्ट. सर सर हमें कंफर्म करना है. एक काम करो, कल सुबह सुबह आ जाओ. पर हाँ ध्यान रखना, कोई देख ना पाए. हाँ हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. आई आ जाएगी, आई आ जाएगी. हाँ ताई है, आई आ जाएगी, आई जल्दी से हॉस्पिटल से आ जाएगी. तुम ठीक हो जाना. मुझे जाना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है उसे मिलने. आप जाओ को लेकर आओ. आई चुप हो जाते भैया. आई आ जाएगी, चुप हो जाना. आई जाएगी मुझे. बेटा सुन, तू मेरी बहादुर गुड़िया है ना, जल्दी से ठीक हो जा. फिर तुझे और दीदी को लेकर पापा घुमाने ले जाएंगे. ये लीजिए, पहुंच लीजिए ये सीडी. इसमें सेम रिजल्ट आएगा. पर तुम लोगों की मानते ही नहीं. मानते तो तुम लोग भी नहीं हो. जानते हो ना ये सब टेस्ट करना इलीगल है, और इस सब में तुम दोनों भी बराबर के भागीदार हो. तो चलना तो तुम दोनों को भी पड़ेगा. चल सर. अरे चल रे. सर माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी. मैं थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में इलीगल सेक्स डिटरमिनेशन की सेंटर चला रहा था. आई एम सॉरी सर. तू तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, हड्डियों का डॉक्टर. फिर ये प्रेग्नेंट औरतें तेरे पास टेस्ट करवाने के लिए कैसे आ जाती है? सर कुछ डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, जो पेशेंट को मेरे पास भेजते हैं. वही नहीं, अलग अलग स्टेट में भी डॉक्टर्स हैं सर, जो मेरे पास पेशेंट को भेजते हैं टेस्ट के लिए. लड़की होती है तो वो लोग अबॉर्ट भी करवा देते हैं सर. वो जो उन सारे डॉक्टर्स और सारे पेशेंट की लिस्ट चाहिए. और ये औरत क्या आई थी तेरे पास? हाँ आई थी सर. इसे किस डॉक्टर ने भेजा ये तो मुझे पता नहीं. इसे बेटा होने वाला था ना? ये तो नहीं पता सर. मैं तो पेशेंट को सीडी बना कर देता था, उसका डॉक्टर उसे बताता था कि बेटा है या बेटी. सर ये खुद चलकर आई थी 5-6 दिन पहले. एक आदमी भी था इसके साथ. कौन था वो आदमी? ये नहीं मालूम सर. अब क्यों मारा? सब तो बता दिया सर मैंने. तेरे जैसे लोगों को जितना मारा जाए उतना कम है. सर माधुरी डॉक्टर अनुज के घर पर बच्चे के सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट के लिए गई थी. इसके कहने के मुताबिक उस वक्त उसके साथ एक आदमी भी था. हो सकता है कि वही आदमी हो जिसके साथ माधुरी का अफेयर चल रहा था. माधुरी जिस होटल में रुकी थी उस होटल में जाके पूछताछ करो. ओके सर, कदम. आई मुझे मेरी आई चाहिए. तो फिर चुप हो जा प्लीज. अच्छा अब रोना बंद कर, मैं तुझे आई के पास ले चलती हूँ. सच? हाँ चल. सर कुछ याद नहीं. सीसीटीवी चलता है? जी. 15 जून की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे. जी. आपने कहा था कि आप जानते नहीं हैं कि आपकी बेटी कर्नाटक गई थी, लेकिन यहाँ इस फुटेज में आप उसके साथ नजर आ रहे हैं. माफ करो साहब, मैंने झूठ बोला आपसे. मैं बहुत डर गया था साहब. एक तो आप मुझ पर शक कर रहे हो, पर कसम खाकर कहता हूँ साहब, कर्नाटक के उस होटल में जाने तक मुझे पता नहीं था कि माधुरी मुझे वहाँ क्यों लेकर गई है. कुछ नहीं बताया था उसने साहब. माधुरी आता तेरी सांग, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? बात क्या है? बाबा मैं फिर से अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ. बार बार क्यों करनी है टेस्ट? मैं इस बार कोई चांस नहीं ले सकती. अगर पर बात प्लीज बाबा. दूसरे दिन उसने फोन करके मुझे कहा कि बेटा ही है. बहुत खुश थी. फिर मैंने उसको फोन किया तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है वो.
इसीलिए उस दिन मैं उसको मिलने के लिए सुबह से उसके घर गया था। आपकी बेटी बार बार अपना गर्भ परीक्षण करवा रही थी, बेटा होने वाला था, सब लोग खुश थे, लेकिन वो डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसके पति का नहीं। क्या बकवास है ये, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, ये झूठ है। क्या झूठ है क्या सच, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सर, हमने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पूछताछ की तो पता चला है कि माधुरी नाम की कोई भी पेशेंट कहीं पर भी एडमिट नहीं थी। माधुरी के कॉल रिकॉर्ड्स देख के ऐसा तो नहीं लगता कि उसका किसी से कोई अफेयर होगा। सर, जरूरी तो नहीं कि फोन पर ही बातें करती हो, यह भी हो सकता है कि माधुरी उसे कहीं बाहर मिलती हो। हाँ, लेकिन ज्यादा वो बार बार अपने बच्चे का गर्भ परीक्षण क्यों कर रही थी, और अगर उसके पेट में बेटा था तो फिर उसने अबॉर्शन क्यों किया? एक काम करो, पता करो जरा, माधुरी के फैमिली के अलावा कोई ऐसा है जो उसके करीब हो, उसका कोई दोस्त या कोई सहेली जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो। ओके सर। मैंने तुम्हें दिव्या दीपाली पाला? नहीं नहीं नहीं, दिव्या दीपाली क्या हुआ? दिव्या दीपाली को ढूंढ रही हो? कब से ढूंढ रहे, नहीं मिल रही है दोनों, पता नहीं कहां चली गई। सर, माधुरी की एक नंबर पर ज्यादातर बातें हुआ करती थी, वो नंबर किसी शीतल के नाम पर है, मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया है। माधुरी का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, वो तो बहुत सीधी थी, अपनी दुनिया में खुश रहती थी। हाँ, बस एक बेटे की कमी थी, लेकिन वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। आप बेस्ट फ्रेंड है ना उसके? हाँ सर, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। बस दादा, यही रोक देना। सुनना, कहाँ लेके जा रही है? बस तू साथ में चलना, कुछ नहीं होगा। चल। किसको करना है? मेरा, मैं माधुरी सर। अंदर आ जाओ। एक तरफ जहां कानून इतना सख्त है कि किसी भी अस्पताल में बच्चे के लिंग की जानकारी नहीं दी जाती, वहीं दूसरी तरफ बच्चे के लिंग की जांच के लिए तरह तरह के अस्थाई विकल्प अपनाए जा रहे हैं। ये चल क्या रहा था अंदर? मुबारकबाद दे मुझे, इस बार मुझे बेटा होने वाला है। क्या? उसे का तो टेस्ट कराया है मैंने। सर, बस बस यही रोकिए सर। थम्बो थम्बो। सर, उस दिन एक आदमी हमें यहीं मिला था और फिर वो हमें अंदर ले गया था वहाँ। सर, लेकिन गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। और कितना दूर है? बस सर यही पास में। अलर्ट रहना, भागने नहीं चाहिए वो लोग। सर, उस दिन तो वैन यहीं खड़ी थी। कुछ गाड़ी का मॉडल या नंबर कुछ याद है? उतना तो याद नहीं है। हाँ, लेकिन डार्क ब्लू कलर की थी और सारे विंडोज पे न्यूज़पेपर लगा हुआ था। जादव, लगता है ये लोग हमेशा गाड़ी लाकर यहाँ पार्क करते होंगे और ये काम करते होंगे। आसपास अच्छी तरीके से देखो। ओके सर। सर, सर ये देखिए, अल्ट्रासाउंड जेल की बोतल, इसी को लगाकर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है। डॉक्टर ने माधुरी को सीढ़ी भी दी थी ना? हाँ सर। जादव, हो सकता है वो सीढ़ी माधुरी के घर में ही हो। चलो मौशी, दिव्याणी दीपाली अलग का तुझे कड़े? ठीक है, नहीं है तिथे, पण मी पोलीस स्टेशनला जाऊन येतो। सर, मैं भी आपके पास ही आने वाला था, सुबह से मेरी दोनों बेटियां लापता है, दिव्या और दीपाली। सुबह घर पे ही थी लेकिन दोपहर पता नहीं कहाँ चले गई, सब जगह फोन किया वो कहीं पे भी नहीं है।
सर प्लीज प्लीज कुछ कीजिए सर। बच्चे की फोटो है ना आपके पास? हाँ। ये फोटो इनको भेजिए जरा। सेंड की मेरी फोटो जादव, बच्चियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और उनकी तलाश शुरू कर दो। ओके। कदम सर, तलाशी शुरू करो। ओके सर। तलाशी देखा है? सर ये सब क्या है, आप तलाशी क्यों ले रहे हैं? बहुत जल्द पता लग जाएगा। सर ये दो सीडीज मिली है, अंदर के रूम में छुपा के रखी थी। जादव ये दोनों सीढ़ी लैब में भेजो और पता करो। ओके सर। अरे सर ये सब क्या चल रहा है, मेरी दोनों बेटियां लापता है और आप घर की तलाशी ले रहे हैं? आपकी बच्चियों की तलाश हमने शुरू कर दी है, जल्दी मिल जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए प्लीज। ये क्या हो रहा है? से मिलवा दो ना। कहाँ भर्ती है तुम्हारी माँ, कौन से रूम में है? पता नहीं। किसके साथ आए हो यहाँ? अच्छा चलो, तुम्हारे पापा का एड्रेस है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ देती हूँ। मोसले, जो 12 फीटेसेस हमें मिले थे उसका क्या हुआ? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया, हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर है, कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। सर मैंने माधुरी के सोनोग्राफी की दोनों सीडीज चेक करवाई तो पता चला है कि माधुरी को बेटा नहीं बेटी होने वाली थी। माधुरी को बेटा नहीं बेटी होने वाली थी? हाँ सर। और माधुरी ने 2-4 दिन पहले ही अबॉर्शन कराया, और जो फीटसिस हमें मिले वैसे भी 1-2-4 दिन पुराना है। यस सर। उस फीटस का DNA माधुरी के DNA से मैच करके देखो, हो सकता है वो माधुरी का ही हो। ओके सर। फेटस का DNA से माधुरी का DNA मैच हो रहा है। उस दिन माधुरी अपना सेलफोन घर पर भूल कर गई थी, अगर वो अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी तो कोई ना कोई तो उसके साथ गया होगा, या उसका बाप प्रदीप, या हस्बैंड सुजीत, या फिर उसकी सास, या उसकी बेस्ट फ्रेंड। इन सबके मोबाइल के लोकेशन निकालो, देखो वो लोग कहाँ थे, और फैमिली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके। लेकिन साहब माधुरी ने मुझसे खुद कहा था कि उसको बेटा होने वाला है। माधुरी ने आपसे नहीं सबसे ये कहा था कि उसे बेटा ही होने वाला है, शायद इस तरह से झूठ बोलकर वो अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी, लेकिन कोई तो था जो उसकी उस बेटी का दुश्मन था जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। इसका मतलब सुजीत जानता था कि माधुरी को बेटी होने वाली है और इसीलिए उसने से अबॉर्शन करवाया। वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो अपनी बच्चियों से प्यार करता। आप कुछ नहीं जानते साहब, पहले भी मैं बहुत पैसा दे चुका हूँ उसको। अच्छा, मतलब अब बेटी पैदा होने पर पैसा ना देना पड़े इसलिए आपने माधुरी का अबॉर्शन करा दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं जानते इस पैसे देने के चक्कर में कितना कंगाल हो चुका हूं मैं। जब भी बेटी पैदा हुई दामाद ने मेरे घर पर आकर तमाशा किया, मैंने अपनी जमीनें बेच बेच कर उसको पैसा दिया। पहली बेटी के लिए 14 लाख और दूसरी बेटी के लिए 12 लाख रुपए दिए। अब तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन हाँ इस बार अगर पैसे देना पड़ता ना तो मैं अपनी बेटी के लिए खुद को बेच कर पैसा देता। सर मेरी बेटियों का कुछ पता चला? इतनी चिंता है आपको अपनी बेटियों की? मैंने सुना कि अपनी बच्चियों के जन्म पे आपने बहुत बड़ा तमाशा किया था और नंतर पैसे घूम गप्पा बसला था। नहीं सर, मुझे पता है ये सब आपको मेरे ससुर ने ही बताया होगा, उसकी नाक बहुत बड़ी है। मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने ना कहा तो माधुरी ने कहा कि पैसे ले लो नहीं तो पापा का दिल टूट जाएगा। ये देखिए मेरा बैंक स्टेटमेंट, उसमें FD स्टेटमेंट भी है। मैंने उन पैसों का हाथ नहीं लगाया,
बच्चों के नाम पे ही रखे। मेरे ससुर को नहीं जानते आप, खुद को बचाने के लिए दूसरों का गला भी काट सकता है वो। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जादव हो सकता है कि माधुरी का पति सुजीत तीसरी बेटी नहीं चाहता, इसलिए उसने माधुरी का अबॉर्शन करवाया। और ये भी हो सकता है कि माधुरी का बाप प्रदीप, उसने ये सोचा हो कि अगर तीसरी बेटी हुई तो फिर से पैसे देने पड़ेंगे, ये सोचकर उसने माधुरी का अबॉर्शन करवाया। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि माधुरी खुद तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही अबॉर्शन करवा लिया। एक काम करो, ससुर दामाद के बीच में रिश्ता कैसा था जरा पता करो। ओके सर। हाँ, जब वो पैदा हुई थी तो सुजीत ज़्यादा खुश नहीं था और माधुरी के पिता ने भी बहुत पैसे दिए थे, लेकिन बेटी पैदा होती है तो कौन थाली पीटता है, किसे खुशी होती है। आपको बेटी है? है ना। क्या जब वो पैदा हुई थी तो आपको खुशी नहीं हुई थी? नहीं। मेरी भी बेटी है, 8 साल की है। जब वो पैदा हुई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, पूरे थाने में मैंने मिठाई बांटी थी, पटाखे फोड़े थे। मेरी बीबी ने यहाँ तक कहा था कि अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। नाज है मुझे अपनी बेटी पर, और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा, क्योंकि बेटियाँ कभी सहारा नहीं बनती बल्कि हमेशा साथ देती है, और भगवान भी उसी के घर बेटी पैदा करता है जिसका नसीब बड़ा होता है। चला सर, दोनों सच कह रहे हैं। अबॉर्शन वाले दिन माधुरी किसके साथ थी? माधुरी के पति सुजीत के मोबाइल का लोकेशन उसका घर का ही है, और माधुरी का बाप प्रदीप उसके मोबाइल का लोकेशन भी उसी के एरिया का है। लेकिन माधुरी के सास के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक उस दिन वो मार्केट के एक होम्योपैथिक क्लिनिक में गई थी। उस दिन दोपहर को माधुरी आपके साथ थी ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैं भला कोई बात क्यों छुपाऊं? माधुरी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वो मुझे वो होम्योपैथिक डॉक्टर अजय दीक्षित के पास ले गई। आप जरा बाहर रुकिए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। वो वापस आई तो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, कह रही थी डॉक्टर ने कुछ दवा दी तो सर चकरा रहा है। सुनिए वो डॉक्टर दीक्षित से मिलना। अंदर है। हाँ सर, ये लड़की आई थी मेरे पास, लेकिन उस समय उसका बीपी काफी लो था, तो मैंने उसे डिटेल में पूछताछ की उसके केस हिस्ट्री जानने के लिए, और फिर उसे दवाइयाँ दी और वो चली गई। और कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। सर, कांस्टेबल कदम का फोन था, उसने अभी अभी डॉक्टर दीक्षित के क्लिनिक में मुंह ढक कर एक औरत को जाते हुए देखा। चलो सर, वो लोग अंदर गए। ये सब लोग कहां चले गए? सर ये देखिए, एक एक घर चेक करो। ओके सर। सुनो जरा उसको फॉलो करो। चलो सर, ये तो बच्चे का गर्भ है। साहब, खर्च मैं खर्च में काहे नहीं केलो, वो डॉक्टर साहब मेरे को पैसे देते थे इसलिए मैं करती थी सब।
सर, सर माफ कर दीजिए सर। वो औरतें तेरे पास कैसे पहुंचती थी? तू तो होम्योपैथी का डॉक्टर है ना, उन्हें कैसे पता चलता था कि तू एबॉर्शन का इलीगल सेंटर चलाता है? सर, जिन्हें बच्चा गिराना होता है ना, वो अपने आप पता लगा लेते सर। और वैसे भी शहर के कई हॉस्पिटल्स के कई स्टाफ और डॉक्टर्स को भी ये पता है। वो ऐसी औरतों को मेरे पास भेज देते थे और मैं उनका हिस्सा उन्हें पहुंचा देता था। वो कर्नाटका वाले डॉक्टर का एड्रेस तूने माधुरी को दिया था ना? हाँ सर। फिर उसने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मेरा कजिन है सर। माधुरी के साथ क्या हुआ? सर, वो मैंने आपके कहने पर अबॉर्शन तो कर दिया है, लेकिन ब्लीडिंग अब रुक ही नहीं रहा है। आपको उसे तुरंत किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अगर उसे सही वक्त में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता ना सर, तो वो जरूर बच जाती थी सर। किसके कहने पे किया था अबॉर्शन बताइए ना, कहाँ है दीपा और दीपाली? क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ बताइए? आपको इस घर की और इस घर में रहने वाले लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर आप यहाँ माधुरी के कातिल को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए। मैंने आपको उसी दिन कहा था कि मेरे बीवी की जान इन्होंने ली है, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। मेरे ससुर ने मेरे बीवी की जान ली, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? पुलिस कभी हवा पे इल्जाम नहीं लगाती। डॉक्टर अजय ने तुझे फोन किया था, उसी ने तुझे कर्नाटक के उस डॉक्टर का नंबर दिया जहां माधुरी ने टेस्ट कराया था। ये तेरे और अजय के कॉल डिटेल्स। माधुरी के अबॉर्शन के बाद उसने तुझे फोन करके बताया था कि माधुरी की जान जा सकती है। माधुरी मुझे बहला रही थी, उसे लगा कि वो झूठ बोलकर अपने बच्चे को बचा लेगी। Are you sure? Oh, मैंने टेस्ट करवाया है, इस बार बेटा ही है। Hi, I class का? Karas? अरे रहने दो, रहने दो। बापा, I class रे हम सब। बेटे की खबर सुनके जो खुशी मेरे आंखों में दिखाई दे रही थी, वो खुशी माधुरी के आंखों में नहीं दिखाई दी। उसी वक्त मुझे उस पर शक हुआ। लेकिन फिर से टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? मेरे तसल्ली के लिए। ये देखो, ये वो डॉक्टर का एड्रेस है, कर्नाटका में है। ISI डॉक्टर से ही टेस्ट करवा लेना और आने के बाद रिपोर्ट मुझे ही दिखाना। और हाँ, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो तुम्हारे पापा को मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैंने तुरंत कर्नाटका के डॉक्टर का नंबर लिया और माधुरी को उसके पिताजी के साथ भेज दिया टेस्ट करने के लिए। डॉक्टर अजय ने मुझे बोला कि इस बार भी बेटी है। एबॉर्शन के बाद माधुरी का ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था। मैंने नहीं मारा माधुरी को। अगर तूने उसे नहीं मारा तो सुबह 8:30 से 11 के बीच तू और तेरी माँ फोन पे 10 बार क्या बातें कर रहे थे? तो सर वो ईमानदारी से सच बोलेगा तो फायदे में रहेगा। बोल सर, उस दिन भाई मलावट्टा डॉक्टर ने सही कहा था, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो आज नहीं बच सकती। मरती है तो मरने दो, वैसे भी उसके कोख से लड़कियां ही जननी है। हाई, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छा हुआ आप दोनों ने मेरा एबॉर्शन करवा दिया, ना आप लोग तो मेरी बच्ची को जीते जी मार देते। अरे मुझे पोता चाहिए था। बस कीजिए माँ जी, मेरी एक कंप्लेंट की वजह से आप और आपका बेटा जेल जा सकता है। आपने मेरा एबॉर्शन करवाया ना, इसकी आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मुझे जेल भेजिए। हाँ, मुझे जेल भेजिए। हाय, तो एक काम कर, तू मंदिर के लिए निकल, मैं देखता हूँ क्या करना। तुझे और तेरी माँ को लगा कि इतना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे। बहुत प्यार है माँ बेटे के बीच, माँ ने कत्ल किया, बेटा सबूत मिटाने में लगा रहा। सर, दीपाली और दिव्या मिल गई। छोटी लड़की बहुत बीमार थी इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सर वो दोनों अपनी माँ को ढूंढ रही थी। मेरी बच्ची जिसे पैदा होने से पहले तूने मार डाला, वो भी तेरी बच्ची ही थी। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ माधुरी के हत्यारे को पकड़ा बल्कि दो राज्यों के बीच चलने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जो गैर कानूनी तरीके से
लिंग परीक्षण और गर्भ में बेटी होने पर गर्भपात कराने के काम में शामिल था। माधुरी सिर्फ अपनी होने वाली बेटी को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन योग्यता के पागलपन ने न सिर्फ माधुरी की जान ली बल्कि उसकी दोनों बेटियों के सर से माँ का साया भी छीन लिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.